आप लोगों ने तो पुरानी महाभारत देखी होगी। जी हाँ, वही महाभारत जिसे बीआर चोपड़ा ने बनाया था। कहते हैं कि कई लोगों ने महाभारत बनाने की कोशिश की, लेकिन कभी चोपड़ा साहब के महाभारत के करीब भी नहीं पहुंच पाए। उसकी बात ही कुछ और थी। और जिन लोगों ने महाभारत बनाने की कोशिश की, उन्होंने मिर्च मसाला डालने के चक्कर में गुरगोवर कर दिया। अब इसी को लेकर पुरानी महाभारत में भीष्म पितामह का रोल निभाने वाले मुकेश खन्ना ने एकता कपूर और उनकी महाभारत की जमकर आलोचना भी की है। तो आइए आपको बताते हैं आखिर क्या कुछ कहा उन्होंने। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ पोस्ट में, मैं आपके साथ पुराण। आपको बता दें कि मुकेश खन्ना स्क्रीन से दूर हैं, लेकिन अपनी बातों से लगातार वो सुर्खियों में रहते हैं। अब एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे यकीनन एकता कपूर खुश नहीं होंगी। दरअसल हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में खन्ना साहब ने 2008 में रिलीज हुए एकता कपूर के टीवी शो कहानी हमारे महाभारत की उसकी जमकर आलोचना की। मुकेश खन्ना ने कहा कि कई लोगों ने महाभारत को रिक्रिएट करने का सोचा, पर कोई कर नहीं पाया क्योंकि उनके पास डॉक्टर राही मासूम रजा और पंडित नरेंद्र शर्मा जैसे राइटर्स नहीं थे और ना ही उनके जैसा डेडिकेशन था। छेड़छाड़ करने की पूरी कोशिश की गई। एकता कपूर ने तो द्रौपदी को टैटू भी लगवा दिया था। खुले बदन सारे पांडव मॉडल्स की तरह लग रहे थे। खन्ना साहब ने आगे कहा, हमारे वाले वर्जन में भीम का रोल प्रवीण कुमार ने निभाया था, अर्जुन का फिरोज खान, पंकज धीर ने कर्ण और गजेंद्र चौहान ने युधिष्ठिर का किरदार किया था। इन एक्टर्स ने ये किरदार बहुत अच्छे से निभाया और यही वजह है कि लोगों को आज भी वो याद है। नकुल और सहदेव की भी एक अलग पहचान थी। आखिर में एक्टर ने कहा कि कुल मिलाकर इतना कहना चाहता हूँ कि जितना समर्पण हमारे महाभारत में दिखाया था हम लोगों ने, उतना फिर किसी ने नहीं दिखाया। आजकल हर चीज को कमर्शियल कर दिया गया है। चोपड़ा साहब के जैसी कहानी कहने की क्षमता किसी में नहीं है। आज लोग सेट पर निर्भर रहते हैं, इसलिए महाभारत को सफलतापूर्वक दोबारा नहीं बना पकाया। वैसे देखा जाए तो खन्ना साहब की बात में दम तो है। महाभारत बनाने के चक्कर में आजकल के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स पता नहीं क्या बना देते हैं, ना तो वो महाभारत लगता है और ना ही कोई साइंस फिक्शन फिल्म। खैर, आप लोगों को मुकेश खन्ना की ये बात कहां तक सही लगी और कहां तक गलत हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।